सलामी लेने के बाद बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने पीड़ित गरीब एवं सहाय लोगों को न्याय दिलाने पर अपनी प्राथमिकता दर्शाई। जनपद के नवागत जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने आज अपराह्न कलेक्ट्रेट परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी लेने के बाद कोषागार कार्यालय पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण किया तथा कोष अधिकारी कंचन भारती से स्टाम्प पेपर एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद कलेक्ट्रेट में COVID-19 कंट्रोल रूम पहुंचकर पलटवार तैनात कर्मचारियों से होम आइसोलेशन L1 व L2 में भर्ती कोरोना मरीजों के बारे में जानकारी हासिल की और निर्देश दिए जनपद में मिलने वाले प्रत्येक को संक्रमित पर निगरानी रखी जाए और कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट अवश्य कराया जाए। इसके उपरांत कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी निधि गुप्ता, अपर जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव, सभी उप जिला अधिकारी एवं SOC चकबंदी के साथ आहूत औपचारिक बैठक में परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर वर्ष 2013 बैच के IES श्री अविनाश कुमार ने कहा कि हरदोई जनपद उनके लिए नया नहीं है और प्रशिक्षण के दौरान वर्ष 2015 में उप जिला अधिकारी सवाईसपुर के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं और इसके बाद गोंडा बहराइच में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और फरुखाबाद जनपद में मुख्य विकास अधिकारी पद पर योगदान दिया है और लगभग 3 वर्ष विशेष सचिव मुख्यमंत्री पद पर तैनात रहने के उपरांत शासन द्वारा जिला अधिकारी के पद पर हरदोई भेजा गया है। बैठक में जिला अधिकारी ने कहा कि सभी एक टीम भावना से समस्त कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक एवं पारदर्शिता के साथ कराएं और उनकी प्राथमिकता जनपदस्तरीय अधिकारियों से समन्वय बनाकर जनपद का विकास कराना और पीड़ित गरीब एवं असहाय व्यक्तियों को न्याय दिलाना होगा। हरदोई से सावन सैनी की रिपोर्ट।